केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर बहुत सिंपल है, ये फिजिक्स का टॉपिक कम और केमिस्ट्री का टॉपिक ज्यादा है। इसके अंदर सिर्फ मुझे दो लाइन में ये बताना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस है, आपने केमिस्ट्री में किया हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दो लॉज यूज होते हैं, फैराडेज के दो लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपॉजिटेड इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इट। तो आपको ये पता है M इज प्रोपोर्शनल टू क्या, Q, एंड यहां पर कॉन्स्टेंट आएगा Z। Z को क्या बोलते हैं इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहां से अगर आप इसको चार्ज को करंट इनटू टाइम पुट करें तो फॉर्मूला क्या बनता है, मास डिपॉजिटेड का M इज इक्वल टू जेड आई टी। क्लियर है, ये पहला फॉर्मूला। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई क्वेश्चन, वैसे तो आता नहीं है पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आप अपनी केमिस्ट्री यूज करके M इज इक्वल टू जेड आई टी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। सेकेंड लॉ भी आपको आता है, सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट कि जो मास है डिपॉजिटेड वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल भी होता है। तो फर्स्ट लॉ कहता है वो ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल है, ऐसी वो क्या कहता है इसमें जो है केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं दोनों लॉज को कंबाइन करता हूँ तो मास डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू जेड इज प्रोपोर्शनल टू ई, ये दो लॉस हैं। तो और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ये दो चीज़ें हैं। इसके बेस पे जैसे इसी शीट में मैंने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं सब्जेक्टिव शीट 19 में, जैसे फॉर व्हाट टाइम मस्ट अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर, टाइम निकालना है जब करंट कितना पास कर रहे हैं 2 एम्पियर कॉपर वोल्टामीटर में टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो मास गिवन है, करंट गिवन है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट गिवन है, आपको टाइम निकालना है, M इज इक्वल टू जेड आई टी, यहाँ से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, आप केमिस्ट्री में करते हैं फैराडेज के लॉ। जैसे सिल्वर एंड कॉपर वोल्टामीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टामीटर जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी करते हैं तो ये पैरेलल में है, तो एक ले लेते हैं सिल्वर वोल्टामीटर और एक ले लेते हैं कॉपर, ये सिल्वर है और ये कॉपर है, और ये दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, कितनी वोल्ट के साथ, 6 वोल्ट। तो यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस कितने वोल्ट पे होने वाले हैं, 6-6 वोल्ट पे। क्लियर है यहां तक? अब वो क्या कह रहा है इसमें, इन हाफ आवर टाइम गिवन है, यानी कि हाफ आवर 1 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 2 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड। तो कॉपर का M1 पता है, सिल्वर का M2 पता है। फाइंड रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड बाई द बैटरी, तो आपको बताना है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी को क्या बोलते हैं, पावर। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? तो आपको पावर निकालनी है बैटरी की, बैटरी की पावर क्या होती है, वी इंटू आई। अगर मैं ये बता दूं बैटरी ने कितना करंट निकाला तो आई और वी को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब बैटरी ने कितना करंट निकाला, कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा। आपको इसका मास डिपॉजिटेड मालूम है तो आप एक बार कॉपर के लिए लगाएंगे, कॉपर से करंट I1 निकालेंगे, एक बार सिल्वर के लिए लगाएंगे लॉ और करंट I2 निकालेंगे, फिर दोनों करंट को ऐड कर देंगे, करंट को V से मल्टीप्लाई करेंगे, V इंटू I से क्या आ जाएगी, टोटल पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो शीट नंबर जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं 19 नंबर शीट आपको गूगल ड्राइव पे इसमें पड़ी होगी, आप 2-3 क्वेश्चन पर नज़र मार लेना, वैसे चांस बड़े कम है आने के, बट फिर भी M इज इक्वल टू जेड आई टी हमने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक,